और बाकी जहाँ तक आपने मेरे प्रोफेशन की बात की तो थोड़ा सा आपको तरफ पीछे ले जाता हूँ। बचपन में मैं शुरू से ही जो है वो रेडियो होस्टिंग का बड़ा शौकीन था, लेकिन उस वक्त जो मैं रेडियो सुनता बहुत था। जब आप कुछ सुनते हो, आपको जो भी इन्वायरमेंट मिलता है तो आपको पता होता है कि इस चीज़ को देखा जाए, परखा जाए या वहाँ जाकर बोला जाए। तो बचपन से बहुत गेट से जो है वो मैंने BBC और CRI NHK वर्ल्ड और बहुत सारे रेडियो वॉइस ऑफ रशिया इस तरह के रेडियो सुने। और वक्त जो है उसको से एक रेडियो ही कहता, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा 10-12 साल हो गए, लेकिन यह है कि उसके बाद अंदर एक जनून आ गया कि जी रेडियो हॉस्टिंग करके रेडियो पर जाना है। फिर अल्लाह ने एक रेडियो को गिफ्ट दे दिया, यहाँ पर लगे मैं 89 ओपन हुआ और मैं जो है वो तकरीबन 3 साल पहले मैंने रेडियो ज्वाइन किया और आई स्टार्टेड फ्रॉम को होस्टिंग। और उससे पहले जो है वो टेलीफोन ऑपरेटिंग की थी। आप जब भी किसी राज्य में नए जाते हो तो आपको बहुत सारी बेसिक सिखाई जाती है, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो ऐसा ऐसा अपना प्रोग्राम मिल गया, सोलो योर टाइम के नाम से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया रेडियो पर, जिसमें जानते थे कुछ है वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड और मोटिवेशनल चीज। और जनाब आप कह लें कि जो एक्सीडेंट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, हम फिर छोटे जो है वो 5-5 मिनट एक क्लिप बना के वो हम मेजर करते थे। Then जो है वो आई कन्वर्टेड टू सोशल मीडिया। और इसमें थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि आई आल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद सम इंटरनेशनल NGOs एज अ वॉलंटियर। 2010-11 में मैंने जो है वो काफ़ी NGO के साथ एज वॉलंटियर काम किया, से ये सीखने के लिए कि आप जो है वो ये क्या चीज़ है। मतलब मेरे पास एक टूल है जो मैं यूज करता हूँ, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूँगा। तो ये है कि अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आप सोचने के लिए फ्री काम करना शुरू कर। जस्ट फॉर यू वाना बी अ रेडियो होस्ट, रेडियो पे जाके फ्री काम करना शुरू कर, चाहे आपको जो काम मिल जाए। तो एक दिन आपको जो है वो आपका जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसी चीज़ से सीखा। और वहाँ जब मैं कुछ NGOs के साथ काम करता रहा और रेडियो ज्वाइन करने से पहले की बात, रेडियो मैंने 2013 में ज्वाइन किया। तो फिर ये है कि मुझे एक जफर इकबाल साहब मिले, उन्होंने जो है वो एक NGO चलाते हैं, NGO वर्ल्ड नाम ही उनकी काफ़ी जो है वो मतलब अप्रोच है। डिफरेंट एरिया बहुत काम किया, बिन वो फ्लड के हवाले से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो मुझे ले गए एक ट्रेनिंग में जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग थी 2011 में, क्या नवंबर 2011 या अक्टूबर ऐसे था मेरे कुछ। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी टिप्स दी थी उसको कैसे यूज़ करना है और ट्विटर कैसे यूज़ करना है, यूट्यूब को कैसे लर्निंग के लिए यूज़ करना है। तो वहाँ से फिर मुझे जो है वो रियान भाई के बारे में पता चला, मैंने इन्हें भी फॉलो कर लिया। तो रियान भाई की लिस्ट से काफ़ी लोगों को ऐड किया और ऐसा ऐसा उस साथ रेडियो का सफर भी चलता रहा। रेडियो को मैंने सोशल मीडिया पर यूज़ किया, फिर रेडियो के ही प्रोग्राम को मैं जनाब वीडियो में ले आया, मैंने वीडियो ब्लॉग्स करने के लिए सोशल मीडिया पर। और साथ साथ नेटवर्किंग चलती रही, बहुत सारे लोगों से जो है वो इंटरेक्ट हुआ फेसबुक पर, फिर लाइव जाके मिला उन लोगों से। तो अभी इस वक्त अलहमदिल्ला ये है कि मैं मेरी कहानी चलाता हूँ फेसबुक पर, और जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं इन्वाइट करके, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से माफ कहता हूँ या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन लोगों को लेकर आना मतलब ये होता है कि उनकी पिक्चर छुपी कहानी है। बजाय तो सब लोग यहाँ से उनसे आते हैं और बड़े कामयाब नज़र आते हैं हमें, जो हम लोग कामयाब लोगों की लिस्ट है उनको नहीं, जैसे मेरे को देखें बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम।
लेकिन उनके पीछे जो छुपी कहानियां हैं वो लोगों को सुनवाने का मकसद जो है वो यही होता है कि लोग मोटिवेट हो सके, आप भी तकरीबन वही काम करने में अच्छा था। तो ये चल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया से कुछ लोग मिले, खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, पीजे एंटरप्रेन्योर है, ही इज फ्रॉम यूएस एंड राइट नाउ इज लिविंग इन मलेशिया, और उनके साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट हुआ और बातचीत हुई, क्योंकि दो एक साल पहले मुझे वो मिले यहाँ पे एक बॉल से, तो उनके साथ मैंने एक कॉलर का बिजनेस स्टार्ट किया ग्लोबल फॉर इनोवेशन के नाम से, इस पर रन किया अलहमदिल्ला। था तो साइड बिजनेस, लेकिन ये है कि मैं कुछ भी करने पर बिलीव रखता हूँ अगर आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे, और कभी भी आप जो है वो भी आप कभी जज नहीं कर सकते कि आप क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक ही रास्ता है उसको कि उस काम को करके देखें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्टअप भी चला रहा हूँ और साथ साथ मेरी कहानी भी रन कर रहा हूँ, साथ रेडियो होस्टिंग भी है और अभी कुछ प्रोडक्शन का भी हमने काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फ्रॉम लाइफ, बड़ा अच्छा जा रहा है सब कुछ। आपने माशाल्लाह से इतनी ज्यादा काम स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है वो तो आता है टाइम को मैनेज कैसे करना, तो आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम? लेकिन इरफान भाई, आपका जो हेड ऑफिस है ना, वो आपका ये है दिमाग है कि आप आपके हाथ में, अगर आपका दिमाग है, अगर मेरा दिमाग कोई और बंदा नहीं चला रहा, मैं खुद चला रहा हूँ, तो इंसान सोचता है दिन में ना सोचे, रात को सोचते हुए जरूर सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो स्कूल से मिल जाएगी या घर से मिल जाएगी, तो कुछ चीज़ें आप जरूर सीखते हैं स्कूल से भी घर से भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, जैसे दुनियादारी भी कहते हैं लोग, तो जब आपका इंटरेक्ट होता है बहुत सारे लोगों से तो फिर आप सीखते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी मैंने ऐसे ही सीखी है, लोगों को फेस कर करके, लोगों को देख के, लोगों की आवाज़ बोल बोल के, सर्च कर करके, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक सीख रहे होते हैं। मैंने भी यही सीखा है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए जो भी आप काम करते हैं, तो आई थिंक सो कि बंदा कर सकता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। आप बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज ले रहे हैं और बहुत सारे लोग एनजीओस में काम कर रहे हैं, और लेकिन अगर हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो एक सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया जाता है कि इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके ख्याल में ये जो हम लोग इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं उसका सोसाइटी पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? लेकिन इरफान भाई, बात ये है कि कोई भी काम जो है हम उसको अगर प्री जज ना करें, काम करने से पहले हम रिजल्ट निकाल लेते हैं कि यार अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, या हम काम अभी करते नहीं हैं, हम पहले कह लेते हैं कि इसका तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो चीज़ों का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा करेंगे तो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मतलब ये कहता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपकी डेडिकेशन कितनी है उस काम के साथ। अगर आप विलिंग हैं कि भैया आपने एक इंटरव्यू करना है और उस इंटरव्यू के जरिए से आपने 10 लोगों की लाइफ चेंज करनी है, अब मैं एक रेडियो होस्ट हूँ तो मैं किसी अच्छे बंदे का इंटरव्यू करके रेडियो पे चला देता हूँ या सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ कि जिसकी एक मोटिवेशन स्टोरी है वो इंस्पायर कर सकता है दूसरों को, तो उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। और हर बंदा अपनी जगह पर अगर ऐसे काम करना शुरू कर दे, अब रेडियो होस्ट यही कर सकता है कि वो अच्छे लोगों को उठा के उनकी वॉइस हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, जब वो ऐसे करता है तो उससे डेफिनेटली अगर एक बंदा भी चेंज हो जाता है तो आप समझ लें कि आपका मकसद है वो पूरा हो रहा है। हम लोग अपनी इस काम को कैसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको लोग देखें और इसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका इरफान भाई। बात यह है कि कोई भी काम है, जैसे मैंने थोड़ा पहले भी कहा कि डेडिकेशन चाहिए उसको, उसकी प्रमोशन के लिए भी आपको नेटवर्किंग की जरूरत है। कामयाबी के लिए लोग रास्ता तो ढूंढते हैं और हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है कामयाबी की, और हम बैठे बैठे जो है वो बहुत कुछ प्लान तो कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि आइडियाज था किसी के पास है लेकिन इम्प्लीमेंट करना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम सोच लेते हैं। बड़ा सोचना चाहिए, ज़रूर सोचें, लेकिन कुछ करने की भी कोशिश करें, सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं होता। तो इसका एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसके साथ जो है वो आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए,
आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना बेस्ट दें, और जब आप कुछ करके दिखाते हो तो फिर सारी दुनिया आपके साथ हो जाती है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको स्पॉन्सर करने वाले आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको जो है वो जानना शुरू कर देते हैं। तो नेटवर्किंग ज़रूरी है, साथ साथ प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप काम करके दिखा रहे हैं लोगों को, फेसबुक पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो आप लोगों की नज़र में आ जाती हैं और लोग आपको अच्छे तरीके से आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, अच्छा इरफान भाई ये काम कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से जो आपको जज करते हैं, उस हिसाब से आपको काम को देखते हैं, उस हिसाब से आपको फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोशन होती है। लेकिन शॉर्टकट तो कुछ है नहीं कि हम प्रमोशन जो है वो ऐसे ही हमारी वजह है। तो प्रमोशन के लिए अच्छा काम और नेटवर्किंग, बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे अपने काम के बारे में बताना और उनसे अपने कॉन्टैक्ट शेयर करना, आई थिंक दैट्स इट। इससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं पॉजिटिविटी फैलाते हुए, तो एक जो आमतौर पर सोसाइटी के अंदर एक चीज़ समझी जाती है कि उसकी आउटपुट वो पैसे के तौर पर मिलनी चाहिए, और अगर वो उतनी आउटपुट नहीं मिलती तो उससे बंदा डिप्रेस भी हो जाता है। बाद लोग क्योंकि होते हैं वो, तो लोग तो देखते हैं ना आपकी आउटपुट जो पैसे के लिए हासिल होनी चाहिए, और आप फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं ये काम करने? बस अगेन बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है भाई, बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन करने के लिए भी। असल बात ये है कि वहीं पे बात आ जाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही तो आप बैठ जाते हैं, या आप एक मोटिवेशन लेक्चर का देख लेते हैं किसी का, और आप एक हफ्ता जो है वो आप रहते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया जाए, बहुत सारा क्वेश्चन है, और होपफुली इस और भी बहुत सारे लोग सीखेंगे। तो मोटिवेशन इंसान में तब मिलती है कि जब आप जो है वो कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने एक इंटरव्यू कर लिया और मैंने वो इरफान भाई को दिखाया, 10,000 लोगों को दिखाया, फेसबुक पर डाल दिया, 500 लोगों ने देख लिया, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ लोग आपको आएंगे जो आप से बात करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको फील होगा कि हाँ यार वाकई मेरे कुछ वैल्यू है, वाकई मैं जो काम कर रहा हूँ ये जो है वो लोग इसे लाइक कर रहे हैं। तो ये तो हुआ आपके काम का रिवार्ड कि आपको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। बाकी बुक्स मैं भी पढ़ता हूँ, ऑडियो बुक्स भी सुनता हूँ, और बहुत सारे लेक्चर भी देखने की कोशिश करता हूँ। अपने ऊपर अगर काम नहीं किया जाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है कि आप बुक्स पढ़ें, आप जो है वो फेसबुक पे जाके अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे पेजेस लाइक करें, उनके अच्छे ट्विटर पे जाके ट्वीट्स जो है वो हासिल करें। तो हम लोग बदकिस्मती से जो है वो कहते हैं जन्नत में तो जाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। तो जो बंदा काम करता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं पाकिस्तान माशाल्लाह कि जिन लोगों ने काम किया और अपने आप को प्रूव किया, और जितने भी हमें कामयाब लोग नजर आते हैं, इरफान भाई यकीन करें कि इन लोगों के पीछे जो है वो कई सालों की ऐसी मेहनत है जो छुपी हुई है। और आपका भी वही काम, मेरा भी वही काम है कि हम लोगों को बताएं कि यार इन्होंने क्या ऐसा किया कि ये लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। तो एक ही रास्ता है भाई, बस लगे रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। मोटिवेशन ऑटोमेटिकली, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आप जाके शॉप से ले लें कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, या हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कोट करना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग कराते हैं माशाल्लाह, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं पाकिस्तान में बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड हमारे पर करता है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या हम कुछ कर भी रहे हैं ताकि वो हमारी जो मोटिवेशन हम ले रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जाए और हमें उसका भी रिजल्ट मिले। मोटिवेशन का मकसद ये नहीं है कि हम बैठ के बातें करते रहें, आइडियाज डिस्कस करते रहें। जब आप इंप्लीमेंट करते हो और आगे बढ़ते हो तो मोटिवेशन जो है वो आपको मिलती जाती है। और आपके ख्याल में जिस तरह से इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, वो अपने अपने व्यूज शेयर करते हैं, उन्होंने कुछ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं, राजी बात है। और दूसरा तरीकेकार ये होता है कि अगर आपने सीखना तो आप बुक से सीखें, तो अगर किसी बंदे को हैबिट नहीं है बुक्स पढ़ने की, तो आपके ख्याल में इंटरव्यू सुन लेना ये काफी होगा उसके लिए सक्सेसफुल पर्सन के? बिल्कुल, देखिए इरफान भाई वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते हैं, बहुत सारी चीजें जो चेंज होती हैं,
मेरे कहने का मतलब मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो हार्ड बुक्स पढ़ें या आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, ज़रूर पढ़ें अगर आपको मौका मिलता है तो, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया है तो मोबाइल फ़ोन पर ही बुक्स आ गई हैं और अब बुक्स जो है वो आप ऑडियो बुक्स आ गई हैं वो आप सुन सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो जनाब आप कह लें कि बुक्स जो है वो वीडियो में भी बुक्स मौजूद हैं, लोगों के लेक्चर्स पढ़े हैं। तो बुक एक एग्जांपल थी, तो अगर आपको जहाँ से भी मोटिवेशन मिलती है या जहाँ से, अच्छा आप अगर सारी चीज़ों को साइड पर रखें, आपको फेसबुक पे कोई 8-10 ऐसे लोग अपने साथ मिला लें जिनसे आपकी अच्छी बात होती हो, जो कामयाब लोग हों, जो पॉजिटिविटी डिस्कस करते हों, जो जो है वो नेगेटिविटी को डिग्रेड करते हों, अच्छी चीज़ों आगे लेके आते हों, बुरी चीज़ों को जो है वो डिस्कस ना करते हों, उससे क्या होगा आप भी अच्छी चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ बुक एक चीज़ नहीं है, अच्छे लोगों को जो है वो उनके सराउंडिंग में चले जाना और उनसे सीखना शुरू कर देना, ये भी एक टूल है। और भी बहुत सारे अगर आप जाएँ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाके हाउ टू गेट मोटिवेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल बहुत है, स्टफ बहुत है, लोग बहुत हैं जो आपको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर विल पावर है और हम चाहते हैं कि हम वाकई जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम किसी को आते हैं। थोड़ा सा आपकी प्रोफेशन में बात कर लेते हैं, अगर कोई रेडियो होस्ट बनना चाहता है कोई भी पर्सन, तो उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? अगेन इरफान भाई, कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, रेडियो होस्ट पे आपने पूछ दिया, ये अच्छा किया कि जो बना रेडियो होस्ट बनना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया, अच्छा रेडियो ज्वाइन करने से पहले मेरी फैमिली के कुछ और लोग भी रेडियो कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई भी मतलब मेरा रेफरेंस नहीं था, जैसे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है रेफरेंस होना चाहिए रेडियो के लिए, या रेफरेंस होना चाहिए फलां जॉब लेने के लिए, मतलब इस तरह की कुछ फजूलियात हैं जो हमारे माइंड में तक फंसी हुई हैं। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे रेडियो वाले ने बोला कि भाई आप पहले कॉल सुनो, आप फोन ऑपरेशन करो ताकि आपको बोलना है, बात करना है लोगों से, आपकी बर्दाश्त है। तो रेडियो होस्ट, क्योंकि रेडियो होस्ट है या टीवी होस्ट है या जो भी बंदा मीडिया पर बैठ बोल रहा है, तो डेफिनेटली उसकी साइकी को टेस्ट किया जाता है, उसे ऑन एयर जाने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसकी चेक की जाती हैं, उसका सब्र और बर्दाश्त चेक की जाती है कि क्या अगर इसे किसी लिस्टर ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो ये गुस्सा तो नहीं करता, क्योंकि आप रेडियो पर अगर बैठे हो या आप टीवी पर बैठे हो तो आपका मकसद अच्छाइयाँ बांटना है, अच्छी बातें करना है, लोगों को उम्मीद दिलाना है, ना कि लोगों को जो है वो किसी मायूसी की तरफ लेके जाना। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो अभी ट्रेंड चल पड़ा है, हमारे ऐसे भी लोग हैं सोशल मीडिया पर या आप कह लें कि और चैनल पर जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लेकिन रियलिटीज भी लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से मैं परहेज करना चाहिए जिनसे मायूसी फैलती हो। तो खैर रेडियो होस्ट जो बनना चाहता है भाई, सबसे पहले यही है कि 2-4 रेडियो होस्ट फेसबुक पर अपने फ्रेंड बना ले, उनसे बातें करना शुरू कर दे, उनकी पोस्टें देखना शुरू कर दे, उनसे स्टूडियोज़ के बारे में डिस्कशन करे, उनसे जो है इक्विपमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन ले। एजुकेशन ठीक है, एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आरजे बनने के लिए आपको जो है आपके पास मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास पीएचडी आप होंगे तो ही आपको कुछ ऐसी वैसी सीट मिलेगी। तो आरजे एक आम सा बंदा होता है और जस्ट उसका मकसद ये होता है कि उसने लोगों को इंटरटेन करना है या लोगों में इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप किसी रेडियो वाले से दोस्ती कर लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन आपसे शेयर होना शुरू हो जाएगी, जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो आपका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा, और जब आप रेडियो पे वैसे भी अगर लोग ऑडिशन के लिए हमारे पास जहाँ आते हैं या कोई भी अगर हमारा दोस्त तो रेडियो ज्वाइन करने के लिए ऑडिशन देना चाहे पर भी, तो उसके लिए यही है कि आप जाएँ और कभी रेडियो वालों को ये मत बोलें कि यू वाना बी आरजे, आप उनसे बात करें कि भाई मैं रेडियो पे काम करना है, मुझे जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा। तो जब आपने ये अखलाक की ज़रूरत होगी कि आप रेडियो का कोई भी काम करने के लिए, लेट्स सपोज वो आपको ऑपरेटर रख लें, कॉल ऑपरेटर रख लें, या आपको कंप्यूटर ऑपरेटर रख लें, या वो आपको या वो रेडियो से मुतलक कोई और काम दे दें, या आपको एज ट्रेनी वो रख लें, आप इंटर्नशिप पे रेडियो पे चले जाएँ, कुछ ना कुछ किसी बहाने आप कहते ना एंटर हो जाएँ कोई भी इदारा है, अगर आपने उसमें सर्वाइव करना है तो आपको एंट्री मारने का तरीका आना चाहिए, और वो जिस तरह से भी आपकी एंट्री हो
आपको सोच जाना चाहिए, जब आप रेडियो है या टीवी है आप वहाँ पर काम करना चाह सकते हैं, तो आपका लोन चेक होता है, लर्निंग होती है, और एक टाइम आता है कि आपको एक्सेप्ट किया जाता है। बस आवाज़ भी होना ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है तो आवाज़ें, मेरे ख्याल से हर इंसान की आवाज़ अपनी अपनी होती है, आवाज़ें पूरी नहीं होती, जस्ट टोन का फर्क होता है कि आपकी टोन कैसी है। इसकी आवाज़ अच्छी किसकी नहीं करता, बिल्कुल आप मैटर करता है ना इस मामले की आप किस लहजे में बोलते हैं, आपका लघु लहजा कैसा है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं या आपकी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये आपको रेडियो पे जॉब मिलेगी या आपको आरजे बन जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप बात को कन्वे कैसे करते हैं, आपके बोलने का तरीका कितना है, आपकी बात में मिठास कितनी है, बजाय इसके कि आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे बहुत झटा है तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको जस्ट इंस्पायर करना है, और आप क्योंकि रेडियो पर आप आवाज़ का जादू जगाते हैं, अपने आवाज़ से ही लोगों को फील करवाना है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, सब आवाज़ का कमाल है रेडियो पे। रेडियो पे आपकी जो है वो आपका फेस तो नज़र आ नहीं होता कि आप जो है वो पहन के बैठेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, तो रेडियो पे आपकी आवाज़ ही जा रही है, तो आवाज़ से ही आपने इंस्पायर करना है, और इंस्पायर करने का तरीका कुछ एक लाख है, थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आई थिंक इट्स इनफ, और कोई नहीं रोक सकता किसी को भी आगे बनने से, बस थोड़ा करने की लगन होनी चाहिए और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। 2-4 महीने 6 महीने कॉल ऑपरेटर या जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर लेना, तो इतना बड़ा पक्का नहीं, उसके बाद बंदा इजीली एंटर हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया, इसलिए मैं सब लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ जिस जिन चीज़ों से मैं गुजर के आया हूँ, तो मैंने तो ऐसे किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, और आखिर में कोई आप तो मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, और एक रेडियो होस्ट को आपने आज गेस्ट बनाया अपने प्रोग्राम का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। और सेकेंडली मैसेज सिंपल सा है कि भाई बातें करना छोड़ दें, कुछ करना शुरू कर दें। हम लोग बहुत सारे लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एक्शन नहीं लेते। जो बंदा एक्शन ले लेता है और चाहे वो कामयाब ना हो, बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है, जितने बड़े बड़े बंदे के एंटरप्रेन्योर हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो सब बहुत सारे फेलियर से गुजर के आए हुए हैं, तो एक्शन ले लेना, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें, मेहनत करें, लगन से काम करें, रिजल्ट जो है वो अगर सही नहीं भी आ रहा तो परसिस्टेंस होनी चाहिए, काम को बार बार करने का जज्बा होना चाहिए, एक दफ़ा दो दफ़ा 4 दफ़ा मिलाकर बंदा जो है वो कामयाब हो जाता है।